45 years old look 15 anti-aging treatment to remove wrinkles increasable नेचुरल बोटॉक्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम फ्लैक्सीड का इस्तेमाल करके इंक्रीजिबल नेचुरल बोटॉक्स बनाने वाले, जिससे आपको एंटी एजिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपकी स्किन यंगर दिखाई देने लगेगी, स्किन में ग्लोइंग इफेक्ट आएगा, साथ ही साथ स्किन में व्हाइटनिंग इफेक्ट भी मिलने वाला है। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहना, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, वरना आप घर पर इस क्रीम को तैयार नहीं कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बाउल के अंदर 4 स्पून के करीब फ्लैक्सीड निकाल लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैक्सीड के फायदे की। तो फ्लैक्सीड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया गया है, जो स्किन को टाइटन रखता है, ब्राइटन रखता है। अगर आपको एंटी व्रिंकल्स की प्रॉब्लम समय से पहले हो चुकी है तो फ्लैक्सीड बहुत ही फायदेमंद रहेगी आपकी स्किन के लिए। और इसके अंदर फैटी एसिड भी पाए गए, जो हमारी स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखने के लिए फायदेमंद माना जाता है। तो आपको 4 स्पून के करीब एक बाउल के अंदर फ्लैक्सीड निकालने के बाद इसी के अंदर आपको 4 स्पून राइस ऐड कर देना है। अब आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर वाटर ऐड कर देना है। वाटर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से बॉइल कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से बॉइल हो जाए तब इसको अलग निकाल लेना है। अब आपको करना है क्या, एक पोटैटो लेना है लार्ज, और उसको छिलके उतार के उसका पेस्ट बनाना है। तो उसको पेस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले पोटैटो को छीलना है, टुकड़े करना है, पीसेस करके उसको पीस लेना है। पीसने के बाद ये स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। इसी पेस्ट को आपको, जो हमने फ्लैक्सीड और राइस को गरम किया उसी के अंदर ऐड कर देना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको अगेन मिक्सर में मिक्स करना है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक कॉटन का कपड़ा लेना है। जी हाँ दोस्तों, कॉटन के कपड़े में इस पेस्ट को रख के इसका अच्छे से एक्सट्रैक्ट जेल निकाल लेना है। बिल्कुल अच्छे से जेल निकल जाएगा, जैसे आप स्किन पर देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, इसको स्टोर करके रखने के लिए इसके अंदर 1 स्पून कॉर्न स्टार्च यानी कि मकाई के आटे को ऐड कर देना है, ताकि और अच्छी क्रीम तैयार हो। तो मकाई के आटे को ऐड करने के बाद इसे अगेन बॉईल करना है। बिल्कुल अच्छे से बॉईल करने के बाद ये स्मूथ क्रीम बन जाएगी। आप इस क्रीम को अलग एक कांच की बोतल में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। बात करेंगे इस क्रीम को कैसे यूज़ करना है। आपको सबसे पहले चेहरे को क्लीन करना है। आप इस क्रीम को डे में भी यूज़ कर सकते हो या नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। कितने टाइम तक यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको चेहरे को क्लीन कर लेना है, उसके बाद इस क्रीम को लगाना है पूरे चेहरे पर और गर्दन पर। बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करना है, कम से कम 20 मिनट तक इस क्रीम को लगाए रखना है। उसके बाद आपको हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धो लेना है। ऐसे करने से आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, स्किन में से व्रिंकल्स दूर होंगे और आपकी स्किन दिन ब दिन यंगर दिखाई देने लगेगी।